क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद कर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाए हेलो कमांडोस वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेन सिंह तो बेटा आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ऑस्मोसिस क्या होता है एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है प्लांट वाटर रिलेशनशिप में ऑस्मोसिस क्या रोल प्ले करता है ठीक है रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है तो आज हम जो है वो ऑस्मोसिस के सारे कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझेंगे हम और फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो देखो बेटा पहले काम करते हैं ना मैंने पिछली बार भी ऐसा ही किया था मैंने कि आपको पहले कहा था लेक्चर देखिए फिर हम कुछ एमसीक्यू लगाएंगे ठीक है ठीक है तो एनर्जी बचा कर रखिएगा तो हम लेक्चर के बाद कुछ एमसीक्यू लगाने वाले हैं तो अभी हम लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम जो लेक्चर खत्म होगा आपका तो उसके बाद कहीं जाने का नहीं बंद नहीं कर देना वीडियो आपको एमसीक्यू लगाना है मेरे साथ ठीक है बेटा चलो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हेलो कमेंडोज वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम उसको

आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं अभी बेटा फिजिकल फोर्सेस और प्लांट वाटर रिलेशन इनको समझना बड़ा जरूरी है कारण यह है कि इससे ही पूरा आगे का फिजोलॉजी जुड़ा हुआ है ठीक है चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है बेटा तो उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए आपको ये बताना है कि जो दिया गया इमेज है दिया गया इमेज है वो किस प्रोसेस को शो कर रहा है क्या नेम ऑफ दी प्रोसेस यानी इस दी गई इमेज में आपको बताना है बेटा नेम ऑफ दी प्रोसेस किस प्रक्रिया का नाम क्या है कि ये प्रोसेस क्या है ठीक है किस प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ दी प्रोसेस आपको बताना है कि टी का ही इमेज है और आपको ये बताना है नेम ऑफ दी प्रोसेस ठीक है क्लियर दूसरा सेकेंड क्वेश्चन जो आज के लिए वो ये है कि आपके सामने एक इमेज है उसमें एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर के जो लेवलिंग क्या मैंने वन नंबर क्या प्रोसेस है सेकंड नंबर क्या प्रोसेस है और थर्ड नंबर क्या प्रोसेस है ये आपको बतलाना है क्लियर समझ गए ना दोनों एनसीआरटी की इमेज है और ये एनसीआरटी की इमेज एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ली जाती है बेटा ठीक है चलिए फिर एक क्वेश्चन और है ठीक है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपको ये बताना है यहाँ पे मैंने आपका एनसीआरटी का ही टेबल 11.1 है जिसको मैंने छिपा दिया है आपको बताना है इसमें से केवल इतना भर करना है एफर्ट के इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए मुझे इसमें कि कितनी जगह पे ना जो सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है मैं वैल्यू डाल देता हूं आपको बताना है कौन सा वैल्यू यूएस है और कौन सा वैल्यू नो है ये आपको बताना है ठीक है आप क्या बताएंगे बेटा मैं यहां पे वैल्यू डाल रहा हूं वन नंबर टू नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि कहां पर कहां पर जो है वो यस है और कहां पर नो है यानी कौन से वैल्यू यस में आएंगे कौन से वैल्यू नो में आएंगे ये आपको बताना है ठीक है ना क्लियर समझ गए और ये देखो मैं आपको क्यों रिवाइज कराता हूं ये ताकि दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैं आपसे पूछता पूछता हूं हूं बेटा और जो उसका उत्तर किया कीजिए और मैं नाइनटी नाइन पॉइंट परसेंट वही पूछता हूं जो एग्जाम में आता है और जो एनसीआरटी में दिया गया होता है ठीक है चलिए तो प्लांट वाटर रिलेशन में हम आगे बढ़ते हैं पहले देखते हैं कि एनसीआरटी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ठीक है मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो उसके लिए हमको जो है वो रोज दिन और रात मेहनत करनी होती है हमें जमकर जो है वो एफर्ट करना होता है कभ, अभी उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड पड़ रही होती है जम के सर्दी होती है कि उठने का मन नहीं करता तब भी जो है वो कोशिश करनी पड़ती है और मैंने आपसे कहा ना कि जब लोग थक रहे हो ना तब आप प्रयास जब कर रहे होते हैं जब और लोग थक रहे होते हैं और आप प्रयास कर रहे होते हैं ना तो समझ लेना कि वहीं आपने जीत ले लिया जीत की तरफ आप आगे बढ़ गए ठीक है है मैंने आपके आपके लिए लिए दो दो लाइनें लाइनें जिसको मैं 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 आपको सुनाता कि लिखता लिखता भी कभी-कभी जब वक्त मिलता है तो मैं लिखता तो मैं आपके लिए दो लिखी है. उम्मीदों के झूले आंगन में लगा लिए बस अब जीतने की ओर कदम बढ़ा लिए हैं हे hey जुनून बस अब जीतने की ओर कदम बढ़ा लिये ठीक है चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के हम तो प्लांट वाटर रिलेशन में एक बात दिमाग में रखिए बेटा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट लाइफ में इस पर हम पहले बात कर चुके हैं टर्जिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था लेकिन एनसीआरटी में क्या लिखा है एक बार हम उसको देख लेते हैं वॉटर इज एसेंशियल ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज वाई इट इज एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शन वॉटर इज ए रिए वॉटर इज ए रिट याद है आपको के हमने बात किया था प्लांट एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्मीक है और प्रोटोप्लाज का मेजर भाग क्या होता है वॉटर होता है प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिल्स इज नथिंग बट वॉटर इन विच डिफरेंट मोलिक्यूल्व एंड सस्पेंडेड के तो वास्तव में प्रोटोप्लाज्म कोलाइडल सॉल्यूशन के समान होता है क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म में, में में क्या होता है बेटा वाटर होता है और प्रोटीन होता है और डिसॉल्व दूसरे केमिकल्स होते हैं घुले फॉर्म में ठीक है ना तो मतलब जल ही जीवन है ये तो फैक्ट है चाहे वो प्लांट लाइफ हो चाहे वो एनिमल लाइफ हो वाटर के बगैर सर्वाइव आप नहीं कर सकते ठीक है? वॉटरमेलन हैजरमेलन हैज नाइनटी 92 परसेंट वाटर तभी इसको नाम है वाटरमेलन के जो तरबूजा होता है ना वाटरमेलन, उसमें 92 परसेंट तक वाटर होता है और मोस्ट हर्बेशियस प्लांट हैव ओनली अबाउट के कोई भी प्लांट को आप देखेंगे उस प्लांट में आपको 85 से लेकर 90 परसेंट तक आपको वाटर बॉडी के अंदर देखने मिल जाएगा आपको याद रखिए प्लांट में वाटर कंटेंट एस कंपेयर टू एनिमल मोर होता है और उसका कारण मैंने पिछली क्लास में आपको बतलाया भी था ठीक है

फाइबर सेल के तो एनाटॉमी पढ़ेंगे तो बात करेंगे हम तो याद रखिए कई सेल टाइप ऐसे होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट कम होगा कहीं पर ज्यादा होगा वेरी करता है इसके एक सीड में एप्पल ड्राई एक बीज सीड जो होता है ना उस सीड के अंदर भी जो सीड होता है जिसको आप स्टोर करते हो के उसमें तकरीबन 14% के 14% या इससे कम नमी होती है के 0% नमी नहीं होती नमी का मतलब क्या है मॉइस्चर मॉइस्चर का मतलब क्या है वाटर कंटेंट क्या तो याद रखिए जिस बीज को सीड को आप सूखा समझते हो एक्चुअली वो सूखा नहीं होता है यदि वो पूरा तरीके से 100% ड्राई हो गया यदि कोई सीड 100% ड्राई हो गया तो फिर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा उसका लाइफ खत्म हो जाएगा इसीलिए जब कभी हमको सीड को जर्मिनेशन से बचाना हो के लंबे समय तक रखना हो तो हम बीजों को सेक लेते हैं घर में मूंगफली है के यदि मूंगफली ग्राउंड नट है ऐसे रखा है तो हो सकता है वो जर्मिनेट कर जाए लेकिन यदि मूंगफली को आपने जो है वो गर्म बर्तन में आपने उसको जो है वो सेक लिया है आपने तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा मर जाएगा उसको तो एंड उसके पीछे क्या है कि आपने इतना टेम्परेचर दिया उसके चलते उसका जो हीट वाटर कंटेंट लॉस कर जाएगा उठ और फाइनली वो उसका लाइफ खत्म हो जाएगा सीड में ड्राई बट स्टिल हैज वाटर अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव इनके तो बीज जो है वो उसमें भी वाटर होता है जो आपको ड्राई दिखता है मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर में वेरी लेकिन वाटर तो प्रेजेंट रहेगा उसमें अब एक सीड देखो बेटा जब आप एक सीड को जर्मिनेट करते हो तो क्या करते हो आप बीज लिया आपने करके देखना आप बीज को आपने पानी में डुबो दिया भाई हम घरों में स्प्राउट्स खाते ही नहीं खाते हम अंकुरित दाल खाते हैं हम लोग के तो स्प्राउट्स में क्या होता है आपने दाल को लिया चने को लिया आपने रात भर भिगोया अगले दिन आपने उसको कपड़े में बांधा और आपने लटका दिया उठके ठीक है तो अब क्या होगा हवा लगा उसे पानी मिला उसको जर्मिनेट कर जाएगा उठ के तो जैसे ही आपने सीड को एक लेवल से ऊपर अपने उसको वाटर कंटेंट प्रोवाइड किया तो उसका जर्मिनेशन एक्टिवेट हो गया एक लेवल से कम रहा तो वो जिंदा है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है

ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट थ्री लीटर ऑफ वाटर इन ए डेट के एक मैच्योर कॉर्न प्लांट एक मक्के का पौधा हो जो होता है ना एक परिपक्व मक्के का पौधा जो होता है वो एक दिन में तीन लीटर पानी लेता है सुझे वन एक दिन में तीन लीटर पानी को वो एब्जॉर्ब करता है ठीक है और एक मस्टर्ड प्लांट जो होता है वाइल ए मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वेट अबाउट फाइव सरसों का पौधा होता है ना वो अपने वजन के बराबर पानी वाटर जो है वो है वो घंटे के अंदर ले लेता ये आंकड़े में as an example लिखे हुए हैं तो दिमाग में रखना है आपको भूलना वो आपको बिल्कुल भी बेटा नहीं भूलना है क्लियर बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वॉटर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दॉटर इज ऑफन लिमिटिंग फैक्टर अब आप बोलोगे क्या लिमिटिंग मतलब फैक्टर का देखो बेटा जो सबसे कम मात्रा में है ना वो रेट वो डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या के याद रखिए एक हम सिंपल सी बात कहते हैं यहां कि एक रिएक्शन जिस पर कई सारे फैक्टर काम असर डाल रहे हो एक रिएक्शन जिस पर कई सारे फैक्टर असर डाल रहे हो वो हमेशा उस फैक्टर की से के अनुसार चलेगी जो सबसे कम अमाउंट में मौजूद है के इसे बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं तो आगे हम जब, जब आगे बढ़ते पढ़ेंगे फोटो संदेश जाएंगे तब इसी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को हम डिटेल में बात करेंगे तो अभी हम जो है लेफ्ट और राइट नहीं जा रहे हैं अभी अपने मुद्दे पर फोकस करते हैं पानी सबसे पौधों के के लिए प्लांट के लिए अब प्लांट प्लांट अब को क्या? और क्या चाहिए उसको फूड अपना खुद बनाता है वो, वो डिसाइड करता है यदि आप अपने बगीचे में पानी नहीं डालेंगे पौधे सूख जाएंगे मर जाएंगे ठीक है वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो हम क्या कहते हैं देखो कैसे वाटर इंपॉर्टेंट है इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आप पढ़ते हो इकोलॉजी में मरुस्थल होता है डेजर्ट एरिया होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं क्या बोल रहे हैं आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उट्टिबंधी वर्षावन जहां पे रोज पानी गिरता है रेनफॉल होता है डेजर्ट में रेनफॉल नहीं होता है तो वनस्पति दोनों तरह का वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट है कि नहीं है अलग अलग है ना बेटा के इसका मतलब ये है कि वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर के तो ये एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर होता है अटके जो नेचुरल इन्वायरमेंट को एग्रीकल्चर को डिसाइड करता है भाई देखिए पंजाब में पंजाब में हरियाणा में जो है वो नहर प्रेजेंट है वहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर की बेहतर सुविधाएं वहाँ पे जो है इरिगेशन इरिगेशन या सिंचाई की बेहतर सुविधाएं हैं इसलिए बेहतर कृषि होती है पंजाब और हरियाणा में किसान अच्छा उत्पादन करते हैं लेकिन बिहार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जगह ऐसे गांव जहां पर लोग खेती तो करते हैं लेकिन उनके पास सिंचाई करने के लिए ना तो नदी है ना नहर है और कुआ है इतना महंगा खुदता है कि आदमी कुएं और पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया तो कुआ उतना गहरा कुआ खोदना मुश्किल काम है ट्यूबवेल पर डिपेंडेंट है ट्यूबवेल का लेवल हर बार नीचे जाता है तो किसान के पास पानी नहीं है तो कितना उत्पादन करेगा वो ठीक है वो डिपेंडेंट होता है मानसून पर कि पानी कब गिरेगा कब मेरी फसल को वाटर मिलेगा ठीक है ये सच्चाई है भारत की तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटा कि एग्रीकल्चर हुआ नेचुरल इनवायरमेंट हुआ सब जगह पर प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी वाटर से अफेक्टेड होती है ठीक है क्लियर अब ये तो एनसीआरटी की बात हुई अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं एनसीआर और एनसीआरटी के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले कि एनसीआर में ऑस्मोसिस के बारे में क्या लिखा है उसको जानने के पहले हम ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्योंकि देखो बेटा सेल टू सेल जो वाटर का मूवमेंट है ना वो थ्रू ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के अकॉर्डिंग होता है ठीक है अब ये दोनों चीजें क्या है हम समझेंगे आगे अभी इतना समझ लेते हैं यहां पर हम कि ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो सेल के प्लांट जो प्लांट के लाइफ में सेल टू सेल जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है ठीक है या ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो वाटर का ट्रांसलोकेशन है वो किससे होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है ठीक है अब क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस के मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलूंगा बेटा कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन याद ऑस्मोसिस इज इज ए ए स्पेशल स्पेशल टाइप टाइप ऑफ ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन मतलब इट इज नथिंग इट इज जस्ट ए डिफ्यूजन ठीक है जैसे ही मैंने आपसे बोला कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन क्या आपको इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यू डोंट नीड एनर्जी क्लियर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है थाके? याद रखना ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन अब आप बोलोगे कि सर ये स्पेशल टाइप का मतलब क्या है वॉट इज मीनिंग ऑफ स्पेशल टाइप के क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब ये है बेटा स्पेशल टाइप का कि वॉटर मॉलिक्यूल ध्यान से बात सुनना वॉटर मॉलिक्यूल आर दी मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज नियम है ये ऑस्मोसिस का फंडामेंटल है ये कि वाटर मॉलिक्यूल एकमात्र मॉलिक्यूल होंगे जो डिफ्यूज कर पाएंगे क्लियर अब डिफ्यूजन के कुछ फंडे दिमाग में क्लियर कर लेते हैं देखो बेटा

हमेशा डिफ्यूजन कैसे होता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है इसीलिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लियर ये भी फंडा क्लियर है हमको अब चलिए लूट के आते हैं ऑस्मोसिस पे मैंने क्या कहा आपसे ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वॉटर मॉलिक्यूल आर दी ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज एंड सेकेंड कंडीशन इट इट रिक्वायर इट रिक्वायर सेमी परमिबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल वाटर मॉलिक्यूल को परमिट करती है भाई वाटर मॉलिक्यूल ही डिफ्यूज क्यों हो रहा है क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई ओनली वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज क्यों ही वाटर मॉलिक्यूल ही क्यों डिफ्यूज हो रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन वैसी है मेम्ब्रेन केवल वाटर मॉलिक्यूल को परमिट कर रही है बाकी सबको बोला तुम नहीं जा सकते हर पार क्लियर तो इसका मतलब सेमी परवलिटी का गहरा कनेक्शन है ऑस्मोसिस से ऑस्मोसिस इज नथिंग इट्स न स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आर ओनली दैट कैन डिफ्यूज थ्रू दी मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एकमात्र अणु है जो कि सेमी सेमीपर्वेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकते हैं आर पार निकल सकते हैं क्लियर ठीक है चलिए अब देखिए ध्यान से क्या देख रहे हैं हम हमने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया सिंपल सा हमने क्या किया हमने जो है वो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को अको जो है हमने जो है वो सेपरेट किया और सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया हमने जो है वो सेमी परमल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी मेमरन बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी मेम्बर हंड्रेड परसेंट सेमी परमल नहीं होती है केवल लेबोरेटरी में बनाई गई सेमी मेम्ब्रेन जो होती है वो 100 परसेंट सेमी परमल होती है के जिनका इस्तेमाल हम केस में करते हैं जिनका इस्तेमाल हम वाटर प्यूरिफायर में करते हैं जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है वो से, वो 100 परसेंट सेमी मेम्ब्रेन होती है लेकिन नेचुरल वर्ल्ड में जैसे आपने एक मेम्ब्रेन को लिया आपने तो वो सेलेक्टिवली वर्मल होती है ठीक है पर मोस्टली हम बायोलॉजिकल एग्जाम्पल में उसको सेमी सेमीपर ही मानकर चलते हैं तो कंफ्यूज मत होना तो मैंने क्या कहा आपसे टेन परसेंट सोल्यूशन को 5 परसेंट सोल्यूशन से अलग किया दोनों के पीछे अब क्या होगा वाटर कहां से कहां मूव करेगा वॉटर कहां से कहां मूव करेगा तो यदि आपने जल्दी से बोला ना कि टेन से फाइव जाएगा तो मैं कान खींच लूंगा क्यों एक है टेन परसेंट सोल्यूशन ठीक है बेटा एक है फाइव परसेंट सोल्यूशन ठीक है अब ध्यान से मेरी बात सुनो क्या कोई भी सॉल्यूशन का जो परसेंटेज होता है कोई भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है कोई भी सॉल्यूशन का जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया कंसंट्रेशन होता है वो क्या बतलाता है वो बतलाता है कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कि इट्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टेन परसेंट सुगर सॉल्यूशन मान लो मैंने आपसे कहा 10 परसेंट शुगर सोल्यूशन मतलब 10 पार्टिकल इसमें शुगर के हैं और 90 पार्टिकल इसमें वाटर के हैं तो बन गया 10 परसेंट शुगर सोल्यूशन मैंने आपसे कहा 5 परसेंट शुगर सोल्यूशन मतलब 5 पार्टिकल शुगर के हैं और 95 पार्टिकल वाटर के हैं तो बन गया 5 परसेंट शुगर सोल्यूशन ध्यान से मेरी बात सुनना ठीक है दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को आपने एक जो कि मेम्ब्रेन है व्यवहार में उससे आपने अलग अलग कर लिया एक तरफ है टेन परसेंट शुगर सॉल्यूशन एक तरफ है फाइव परसेंट शुगर सॉल्यूशन तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर मूव करेगा वॉटर अपने अधिक से अपने कम ओर मूव करेगा टेन परसेंट शुगर सोल्यूशन का मतलब है नाइनटी वॉटर है टेन शुगर है 95 और जो है 5 परसेंट शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है 95 वाटर है और 5 शुगर है तो वाटर 95 से 90 की ओर मूव करेगा वाटर अपने क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज जो डिफ्यूज कर रहा है उसे सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है कि वो अपने अधिक से अपने कम की ओर जाएगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की ओर मूव करेगा ठीक अब आप बोलोगे सर ये तो नियम के विरुद्ध हो गया ये तो एक्टिव होना चाहिए अरे बेटा क्यों एक्टिव होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल है ना जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है वो तो वाटर है और वाटर तो अपने अधिक से अपने कम की ओर जा रहा है उसे सोलिड से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एक मेटल का डिफ्यूजन दूसरे मेटल के डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता है क्लियर ठीक है मतलब चलिए फिर से एक बार समझते हैं थे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल थो, 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 देखते हैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को गेन करने की कोशिश करते हैं के व्हेन टू सॉल्यूशन ध्यान से बात व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर सेपरेटेड विथ सेमी बायमी मेम्ब्रेन सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स दन के तब हमेशा क्या होगा हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर होगा यदि आपने एक सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से अलग कर दिया है तो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा ठीक है द प्योर सोलवेंट विल फ्लो द सेम मैनर इफ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सोल्यूशन बाय सेन ठीक है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स ए सोल्यूशन एक्रॉस नोट एज फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन क्लियर यह है ऑस्मोसिस ठीक है तो टेक्निकली हमने कहा कि अच्छा ठीक है हमको देखकर ऐसा लग रहा है कि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जा रहा है लेकिन इसका सिंपल सा मतलब यह है कि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में वाटर इज मोर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में वाटर इज लेस तो वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर जा रहा है कोई नियम नहीं तोड़ रहा वो डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है वो बकायदा बकायदे अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर जा रहा है अब आप बोलोगे सर ये वाटर पोटेंशियल वर्ड कहां से आ गया वाटर मॉलिक्यूल की क्षमता कि वो एक सिस्टम को छोड़कर कहीं मूव कर सके वाटर मॉलिक्यूल की क्षमता कि वो एक सिस्टम को छोड़कर कहीं मूव कर सके वो उसका वाटर पोटेंशियल है वही उसका केमिकल पोटेंशियल भी है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में फ्री एनर्जी है तो वो उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकता है ठीक है क्लियर तो देखिए आप क्या किया हमने हमने देखा कि हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया जब एक सेल की तुलना में एक नॉर्मल नॉर्मलट्रेशन की तुलना में जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो हाइपोटोनिक बोलते हैं और अधिक होता है हाइपोटॉनिक तो तो सोल्यूशन क्या कहा था आपसे कि हमेशा जब कभी भी कोई सोल्यूशन जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन एक दिए गए सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है तो हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं अधिक होता है तो हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन कहते हैं तो हमने क्या एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन को हमने एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन से अलग कर लिया हमने के और बीच में लगा दिया के तो क्या देखा हमने हमने देखा कि वाटर जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से ओर सोल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि तो वो चाहते क्या है वो चाहता है अब ये क्यों होता है ये इसलिए होता है कि वाटर मॉलिक्यूल अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करना चाहता है इसलिए तो दोनों हिस्सों में ट्यूब के दोनों हिस्सों में, में जो है पहले एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था पहले एक सोल्यूशन का का कम था दूसरे का अधिक था थोड़े समय के बाद क्या देखा आपने देखा दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया क्यों हुआ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से निकल के दोनों दोनों सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ इक्वल नहीं हो गया याद रखना बेटा ये जो जो, जो प्रोसेस है ऑस्मोसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूजन करते हैं एनर्जी खर्च भी नहीं करते हैं और अपने अधिक से अपने कम की ओर मूव करते हैं ठीक है तो मतलब यह हुआ इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर ओनली मॉलिक्यूल्स दैट डिफ्यूजेस बिकॉस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए सैमी व्हिच डज नॉट परमिट सॉलिड पार्टिकल के मतलब

फ्लूड मैनेजमेंट करना पड़ेगा मान लो कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन का पेशेंट आ गया है ठीक है किसी को चोट लग गई है तो कितना उसकी बॉडी में वाटर है ऐसा नहीं है बोतल बोतल चढ़ाने का मतलब नहीं कि लगाई बोतल बहुत धमाधम चढ़ाना शुरू कर दिया कि पचास साठ बोतल चढ़ा डाली आदमी ऐसा नहीं होता ठीक है यानी बाकायदा आपको वाटर कंपार्टमेंट बो, यानी ह्यूमन बॉडी में भी एक्स्ट्रा सोलर कम्पार्टमेंट होता है इंट्रा सोलर कंपार्टमेंट होता है तो कैसे आपको वाटर बॉडी का वाटर बैलेंस करना है वो सीखना होता है आपको ठीक है तो जो जो ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना ये पूरी लाइफ काम आता है ठीक है चलिए तो अब एक काम करते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन है एक फाइव परसेंट शुगर सॉल्यूशन है एक टेन परसेंट शुगर सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन को हमने जो है वो सेमी मेम्ब्रेन से अलग अलग कर दिया है हमने एसपीएम का मतलब है सेमी परमिवल उससे हमने अलग अलग कर दिया है ठीक है एक फंडा क्लियर है फाइव परसेंट सुगर सोल्यूशन है इसका मतलब यह है कि फाइव पार्टिकल शुगर के नाइनटी फाइव वॉटर के टेन परसेंट शुगर सोल्यूशन है वो के के कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब यह हो गया फाइव परसेंट शुगर सोल्यूशन में कंपेटिवली मोर वॉटर अधिक वॉटर है एस कंपेयर टू दी टेन परसेंट सुगर सोल्यूशन ठीक है तो आपको सिंपल सी बात है आपको मालूम है वाटर अपने अधिक से वाटर अपने अधिक से अपने कम है तो हमको के वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ठीक है क्लियर ठीक इसका मतलब यह हो गया कि सॉल्वेंट यदि हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से बात सुने का मैंने सॉल्यूट नहीं बोला मैंने क्या बोला मैंने सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब घोलने वाला सॉलिड मतलब घुलने वाला जो डिजॉल्व कर लेता है जो डिजोल्व कर लेता है सॉल्वेंट है जो डिजोल्व हो जाता है वो सॉल्यूट है ठीक तो यहां पे हमने कहा कि इसका मतलब ये ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम दी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है थ्रू दी सेमी परमेब्रेन ठीक है फिर जितना अधिक वाटर जितना अधिक जो है वो जितना अधिक जो है सॉल्वेंट होगा जितना अधिक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उतना अधिक उसके पास में फ्री एनर्जी होगी नाइनटी फाइव वाटर एक सिस्टम के अंदर जहां पे समान टेम्परेचर है वहां पर 95 वाटर मॉलिक्यूल की कुल cool एनर्जी 95 फाइव वाटर मॉलिक्यूल की कुछ कुल cool एनर्जी 90 वाटर मॉलिक्यूल की कुल cool एनर्जी से अधिक होगी और एनर्जी का भी वही नियम है थर्मोडाइनोमिक का भी वही नियम है क्या की जो है फ्री एनर्जी हायर से लोअर की ओर जाता है मतलब यह हुआ कि हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी ओर वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा ठीक है क्लियर कौन मूव करेगा वॉटर मॉलिक्यूल मूव करेगा सॉल्वेंट मूव करेगा फिर जितनी अधिक एनर्जी होगी उतना अधिक वाटर मॉलिक्यूल में क्षमता होगी कि वो सिस्टम से बाहर निकल सके मूव कर सके इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की पोटेंशियल का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता पोटेंशियल का मतलब होता है दी एबिलिटी टू परफॉर्म ए वर्क एवर वाटर मॉलिक्यूल अपने सिस्टम को छोड़ के आगे मूव कर सकता है उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं तो वाटर अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल क्यों जाएगा ठीक है फिर मतलब अब 5 परसेंट सुगर सॉल्यूशन को हम बोले तो वो क्या है बेटा हमने कहा कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम सॉल्यूट से लेते हैं हमके तो मैंने क्या कहा आपसे कि यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जा रहा है क्योंकि कारण ये कि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मीन्स मोर वॉटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन मतलब मीन्स लेस वॉटर के अब यहां पर क्या हो गया यहां पर इस फ्लो चार्ट को जो है वो टेबल को बनाने के बाद इस टेबल को बनाने के बाद हमारे पास में ऑस्मोसिस की कई सारी परिभाषाएं आ गई हैं कई सारी डेफिनेशन आ गई हैं जैसे कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू दीपेमेंट सेकेंड डेफिनेशन

अब टोनिसिटी का मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो मैंने आपसे कहा किसी भी सेल की कंपेरिजन में आप देखेंगे कि सॉल्यूशन तीन तरह का हो सकता है एक वो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन उस सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन अधिक होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कम होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे उसको हम ठीक है देखिए जब आप बोलते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपर मतलब अधिक

एक्सो ऑस्मोसिस होगा सेल से बाहर निकल एग्जोमी बाहर एंडो मतलब अंदर के। ऐसे तो मतलब सॉल्यूशन में रखेंगे जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से अधिक होता है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसमें रखेंगे आप तो वाटर सेल से बाहर निकलेगा बाहर निकलेगा एक्सो ऑस्मोसिस तो सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा सेल का वॉल्यूम कम होगा साइज सुकुड़ जाएगा सेल का ठीक है ना क्लियर प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम सुकुड़ जाएगा ठीक है क्लियर चलिए फिर सेकंड हाइपोटोनिक का मतलब क्या है यदि आपने एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो अब वाटर कहां जाएगा वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगी और यदि एनिमल सेल है तो फूल कर वो फट भी सकती है प्लांट सेल है तो पूरा फूल जाएगा फटेगा क्यों नहीं क्योंकि प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है ठीक है ठीक

और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन के बराबर होता है बेटा उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और इसमें एनिमल सेल में शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा प्लांट सेल जो होता है उसमें भी आप डालेंगे तो उसमें जो है वो जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा तो प्लांट सेल अपनी कंडीशन को मेंटेन रखेगा

यदि आप उसको हाइपरटॉनिक में किया या हाइपोटॉनिक में किया तो आरबीसी का शेप बदल जाएगा ठीक है तो ब्लड टेस्ट करने में रि, असली सही रिपोर्ट नहीं आ पाएगी ठीक है ना चलिए तो मैंने क्या कहा आपसे आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है बेटा इज नो नेट मूवमेंट ऑफ दो मॉलिक्यूल अंदर आए तो दो मॉलिक्यूल बाहर निकल गए क्योंकि इस सोल्यूशन में दो ऑलरेडी दोनों तरफ जो है वो, 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 वो से बराबर एट के अब आप बोलोगे सर ये अंदर और बाहर बराबर क्यों हो रहे हैं देखो मॉलिक्यूल मौल, आयन पार्टिकल के पास ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग वो लगातार रेंडम मूवमेंट करते रहते हैं तो दो पार्टिकल अंदर जाएंगे तो दो बाहर अंदर से बाहर निकल जाएंगे नेट मूवमेंट जो है शून्य हो जाएगा ठीक है क्लियर हाइपोटोनिक में क्या हुआ वॉटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट अंदर तरफ होता है वॉटर मॉलिक्यूल अंदर आएगा और सेल को फुला देगा सेल को जो है वो टर्जिट कर देगा ठीक है और हाइपरटोनिक में क्या होगा वॉटर सेल से बाहर निकल जाएगा सेल को वो क्या कर देगा श्रिंक कर देगा क्लियर चलिए तो हमने देखा आपसे हमने कहा यहाँ पे कि ये कंडीशन को दिखाई पड़ रही है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि प्लांट सेल को देखोगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि प्लांट सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो है वो फ्लैसिड अवस्था में होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्जिड अवस्था में होती है और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में वो प्लाज्मोलाइज या श्रीवर्ड अवस्था में होती है प्लाज्मोलाइज या श्रीवर्ड अवस्था में होती है ठीक है ना जबकि एनिमल सेल को देखोगे आप तो आइसोटॉनिक सोल्यूशन नॉर्मल अवस्था में होगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा बेटा वो फूल कर फट जाएगी लाइस हो जाएगी इसके और हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगी वो हो जाएगी या सुकुड़ जाएगी पूरी ठीक है क्लियर एक काम करते हैं एक एनिमेशन को ध्यान से देखते हैं आपके यू अटेंशन टू एनिमेशन को ध्यान देखिए आपके तीन तरह के सोल्यूशन है हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने एक सेल को डाला तो देखिए सेल से वाटर बाहर निकल रहा है सेल सुकड़ गई है ठीक है फिर हमने क्या किया सेल ने वाटर लूज किया मतलब एक्सो ऑस्मोसिस हुआ फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने जो है सेल को डाला तो वाटर सेल के अंदर गया सेल फूलकर फट जाएगी ठीक है ना ठीक है प्लांट सेल फुल फुल जाती है है, एनिमल फूल के फट जाती है आइसोटोनिक मतलब यदि रखा तो सेल से वाटर बाहर निकलेगा एग्जो ऑस्मोसिस होगा ठीक है यदि एक सेल को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वाटर सेल तो के अंदर आएगा एंडो ऑस्मोसिस होगा क्लियर फंडा दिमाग में रखना समुद्र का पानी क्यों नहीं पी सकते अब कई लोग होता है समुद्र में जब आते हैं तो उनको फ्रेश वाटर की दिक्कत हो आती है कि आपको तो आप बोलते हो हमेशा हम सुनते हैं कि पीने वाले पानी की कमी हो रही है पानी की बोतलें बेच हुई आने वाले समय पानी और महंगा हो जाएगा के वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस है क्यों नहीं हम समुद्र का पानी पी सकते हैं क्योंकि सी वाटर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर साइड है और उसको पीने से हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर से वाटर बाहर निकल सकता है और सी वाटर पीने से बॉडी टिश्यू का डिहाइड्रेशन हो सकता है इसीलिए वो पीने योग्य वाटर नहीं है ठीक है उसको ट्रीट करना पड़ेगा उसके सॉल्ट को हटाना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा तब आप उसको पी पाएंगे ठीक है क्लियर आप समझ गए इस बात को हमके मैंने क्या कहा आपसे एक दो तरह की ऑस्मोसिस हो गया एक हो गया एक्सो ऑस्मोसिस जो, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हो में होता है सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा उससे दूसरा होता है एंडो ऑस्मोसिस जो कि हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में होता है सेल का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा क्लियर ठीक है

वो प्रोफेसर जो है वो एक गवर्नमेंट मशीनरी का प्रोफेसर होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काम करता होगा नंबर तीन उसके रूटीन बहुत सारे काम होंगे लेक्चर लेना है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है उसको उसको पेपर बनाने का काम एक्स्ट्रा मिला हुआ है सुनना बात को ध्यान से रखें नंबर चार उसको यह भी नहीं पता है कि उसी का पेपर एग्जाम में आएगा कई प्रोफेसर से क्वेश्चन मंगाते हैं रैंडम ऐसा मालूम चलेगा तो वो प्रोफेसर जाके बताने देगा बाहर लोगों को ये वाला आने वाले

आप जब ऐसा करना होगा तो यदि आप भी वहां पर होंगे ना तो आप कोई बहुत बड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपको पता है कि आपका को, आपने इतना मेहनत करके क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया और वो एग्जाम में आएगा भी कि नहीं आएगा वो के उसकी भी गारंटी नहीं के और दूसरा रूटीन इतने काम ऑलरेडी है तो क्या करता है एग्जामिनर वो एक काम करता है। पुराने पेपर्स देखता है है, कि किस तरीके के क्वेश्चन क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को थोड़ा वो वो चेंज करता है। उनके आसपास था तो अगली बार कुछ और पूछ लेगा, इस इसलिए प्लीज पिछले पांच सालों का पेपर जरूर सॉल्व कर वो ट्रेंड है आप कोई भी तो एक ट्रेंड देखने मिलेगा आपको एक पैटर्न देखने मिलेगा उस पैटर्न को पकड़िए मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम इज लाइक ए वॉर और वॉर में प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि क्या शत्रु सोच सकता है आपका ठीक है तो बात ये चल रही थी कि पुराने कुछ क्वेश्चन है उनमें इस तरीके के डेटा पूछा गया बेटा और ये मालूम होना चाहिए ऑस्मोसिस फर्स्ट डिस्कवर्ड वाय नॉलेट यूजिंग पिक्स ब्लेडर ऑस्मोसिस को पहली बार नॉलेट ने बताया था उन्होंने इसके लिए पिक के ब्लेडर का इस्तेमाल किया था

क्लियर ठीक है देखिए ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं ना ये है ऑस्मोस्कोप दिस इज दी है ये है ऑस्मोस्कोप ऑस्मोस्कोप इट इज बेसिकली पटेटो ऑस्मोस्कोप अरे यार देखो सिंपल कैसे बनता है आपको बता दू मैं कैसे बनता है सबसे पहले एक मध्यम साइज का आलू लीजिए ठीक है ठीक उस आलू को छील लीजिए ठीक है आलू को छील लिया आपने छीलने के बाद उस आलू का एक चाकू लीजिए चम्मच लीजिए चम्मच का पिछला हिस्सा यूज़ करना है और धीमे से एक कट अंदर कट अंदर लगाइए और बीच का पूरा हिस्सा निकाल दीजिए अरे घर में मम्मी से पूछना मम्मी दम आलू बनाया है बनाती होंगी मम्मी के मम्मी बता देगी कि भरमा आलू है दम आलू कैसे बनता है वो अच्छा ठीक है बेटा बना दूंगी शाम को उठ के अच्छा एक काम करो है ना

इसमें आपको शुगर सॉल्यूशन भर देना और एक जहां तक भरोगे वहां तक आधा भरना आधा भरना ठीक है और पिन लगा देना ऑल पिन एक। और फिर एक एक कटोरी में प्योर वाटर लेना और उसको रख देना आलू को आप देखोगे वो जहां पिन लगाया था ना वाटर का लेवल उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है वाटर जो है वो आलू के अंदर और यही आप अन्य पिल्ड के बगैर छिले आलू को रखना कुछ नहीं होगा आलू का छिलका जो होता है ना वाटर को नहीं अंदर अंदर उठ के तो अनपील्ड पोलेटो करोगे ना तो ये नहीं होगा दिस इज दिस वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट जो हमारे स्कूलों में कराते हैं ये पोलेटो ऑस्मोस्कोप होता है और करके देखिएगा मजा आएगा ठीक है साइंस फील होना चाहिए विज्ञान महसूस होना चाहिए ठीक है चलिए फिर क्या देख रहे हैं हम ये ऑस्मोमीटर के ऑस्मोमीटर क्या होता है बेटा ये बेसिकली दिस इज द इक्विपमेंट जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं हम ठीक है ना तो ये हमने देखा जो एक मेंब्रेन होती है एक जो अंडा होता है एक में एक मेंबरन होती है उस मेब्रेन को और वो एक की जो की जो मेंबरन होती है उस मेब्रेन uh, को यदि हम देखें तो उस मेंबर को निकालने के बाद यदि हम यूज करें यहां पे तो वो भी ऑस्मोसिस को शो करती है तो यहां पे देख रहे हैं आपके बाकायदा ग्रेडेशन ट्यूब बना हुआ इस ट्यूब में वाटर आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई पड़ता है इस इक्विपमेंट को हम ऑस्मोमीटर कहते हैं ठीक है थीके?

सोल्यूशन to कोई डाउट है उसको क्या किया आपने? ये सोल्यूशन को लिया ठीक है और उसको आपने से अलग कर दिया और एक तरफ रखा आपने प्योर सॉल्वेंट के क्या होगा जो प्योर सॉल्वेंट है जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की ओर आने की कोशिश करेगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में पूरे 100 परसेंट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन में मान लो ये सॉल्यूशन टेन परसेंट सुगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में वाटर ठीक है तो वाटर क्या होगा ये ऐसे मूव करेगा वाटर जाएगा ना बेटा वाटर से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा ठीक है मतलब ये हुआ कि जो है यदि आपने एक सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से अलग किया है तो सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट फ्लो करेगा और यदि आपको रोकना है उसको अब वो धक्का मारा सॉल्यूशन अंदर आ गया सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट अंदर आ रहा है और आपको उसको रोकना है तो आपने बाहर से एक फोर्स लगाया यू अप्लाइड फोर्स कि आपने एक फोर्स लगाया इतना फोर्स लगाया आपने इतना फोर्स लगाया कि इस फोर्स ने प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोक दिया कैसे रोक दिया इसने भाई देखो वाटर अंदर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो दर इज ए मतलब वॉल्यूम का बढ़ना अपने आप में एक फोर्स है और उस फोर्स को आपने कैसे काउंटर किया आपने बाहर से दबाव लगाया बाहर से आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया उससे आपने काउंटर किया का लगा के, तो आपने पता कर लिया है, आपने ये पता कर लिया है कि ऑस्मोसिस में फोर्स कितना लग रहा था कितना फोर्स से वॉटर आ रहा था तो यही है ऑस्मोटिक प्रेशर यही है ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली एन एक्सटर्नल प्रेशर बाहरी दबाव होता है अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ए सोल्यूशन जिसको हम एक सॉल्वेंट के सोल्यूशन के प्रभाव को रोकने के लिए हम लगाते हैं और इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा सेमी मेम्ब्रेन वहां पर होना चाहिए ठीक है और एक एक निश्चित तापमान पर हम इसको लगाएंगे और इससे हमें सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम चल जाएगा कहने का मतलब यह है कि यह एक यू शेप ट्यूब है समझो बेटा बात को मेरे यूशेप ट्यूब है ठीक है ठीक है यहां पे लगा हुआ है ये सेमी मेम्ब्रेन लगा हुआ है ठीक है बेटा इधर क्या है प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है ठीक है हंड्रेड परसेंट वाटर मॉलिक्यूल इधर क्या है ट्वेंटी परसेंट सुगर सॉल्यूशन है मतलब एट्टी वाटर मॉलिक्यूल है यहां पे है ना बेटा ठीक है तो क्या होगा वाटर यहां से यहां की ओर आएगा आएगा ना बेटा ठीक है तो इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम का बनना भी बढ़ना भी तो प्रेशर है के तो इसको रोकने के लिए क्या किया हमने हमने बाहर से बाहर से हमने एक दबाव लगाया थके? इतना लगाया हमने

जितना रोकने के लिए था उससे अधिक लगा दिया तो आपको पता है क्या होगा क्या होगा आपको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम में में ठीक है आज हमारे पास में, आप देखना आप गूगल कीजिएगा ठीक है के जो रिवर्स ऑस्मोसिस के वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना बेटा उन सब में इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक थेक? देखिए हम आपको दिखाते हैं इसमें कि जो है ये जो है जो विस्लरी का वाटर है इसमें भी लिखा है कैसेस को प्यूरीफाई किया है दे मस्ट मेंशन मैं टेक्निक इसमें लिखा है ना देखिए एवरी बॉटल ऑफ विस्लरी इज पुट थ्रू ए रिग्रस मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स माइक्रोफिल्ट्रेशन आर रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ओजनाइजेशन ठीक है तो मतलब यह हुआ बेटा कि आज रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो बड़ी कॉमन प्रोसेस है जो हम वाटर प्यूरिफायर के रूप में घर में यूज करते हैं ठीक है अभी क्या देख रहे हैं आप हम, हमने कहा कि अभी केवल और केवल हमने आपसे कहा, कहा हमने कहा आपसे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा वो वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए जरूरी होता है ठीक है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट प्रस ऑफ प्योर वॉटर इन टू ए सोल्यूशन थ्रू सेमी देंट देर बाय प्रिवेंटिंग एंड इनक्रीज वॉल्यूम ऑफ द तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसको हम किस पे अब क्वेश्चन ही उठता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप सोलवेंट पर लगाओगे कि सोल्यूशन पर लगाओगे कहां लगाओगे अरे किसका वॉल्यूम बढ़ रहा है सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको सोल्यूशन के ऊपर लगाना पड़ेगा प्रेशर ताकि वॉल्यूम ना बढ़े वो क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ही तो मूव कर रहा है तो प्लीज गलती मत करना ऑस्मोटिक प्रेशर में जो को पता लगाने के लिए जो बाहरी दबाव लगाते हैं वो सॉल्यूशन पर लगाते हैं प्योर सॉल्वेंट पर नहीं लगाते हैं ठीक है ना क्लियर और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जो है वो पाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सीआरटी क्या ठीक पाइक्वल टू सी आर टी कुछ बुक्स में सी एस टी भी लिखा होता है बेटा तो सी का मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोजल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यह हमको मालूम चल गया यहां पर ठीक है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि एस है? है, लिखते हैं कांस्टेंट बोलते हैं तो कांस्टेंट का तो कोई मतलब नहीं है, पे वो है, फिर टी फॉर टेम्परेचर मतलब ये यदि आप तापमान बढ़ा दोगे ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा क्योंकि कारण ये तापमान बढ़ाने बढ़ाने पर बढ़ाने पर सॉल्वेंट के अंदर आने की ताकत बढ़ जाएगी और सॉल्वेंट के अंदर आने का फोर्स बढ़ जाएगा तो आपको बाहर से अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा ठीक तो, है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर ऑल्सो ठीक है इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द मीनिंग ऑफ द द्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कई सोल्यूशन कई सोल्यूट ऐसे होते हैं जो पानी में जाके घुल जाते हैं सोडियम क्लोराइड एक नमक का कण है पर सोडियम अलग हो गया क्लोराइड क्लोराइड अलग 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 हो गया सोडियम है है अब वाटर मॉलिक्यूल जो वन परसेंट एनएससीएल है वो एक्चुअली में वो टू परसेंट सोल्यूशन के समान व्यवहार करेगा सोडियम अलग क्लोराइड अलग यदि आप देखोगे ना कि वन परसेंट शुगर सोल्यूशन डिसोसिएट नहीं करता ठीक है है इसकी तुलना में यदि आपने वन परसेंट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा इसका कम होगा क्यों क्योंकि सोडियम और क्लोराइड अलग अलग होकर ओवरऑल इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे किसका सॉल्यूशन का ठीक है यदि आपने बी टू लिया बेरियम क्लोराइड लिया आपने देन इट इज हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू द एल एफसीएल थ्री लिया आपने दैट हैविंग दी मोर है? क्योंकि dissociate हो रहे पार्टी और हर कण का अपना है, है, है? है, वो बोलता है, Fe बोलता ठीक एक Fe हो गया, तीन क्लोराइड हो गए चार हो गया मतलब वो 96 वाटर बचा। बोलता है, एक हो गया, दो एड हो गए तो नाइनटी सेवन वाटर बचा सोडियम क्लोराइड बोलता है एक सोडियम एक तो 98 वाटर बचा मतलब वाटर कम हो रहा है लगातार डिसोल्यूशन होने पर के इससे सॉल्यूशन का इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा आई बात समझ में ठीक है मतलब यदि हमने कहा आपसे इफ मोर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड मोर देन दी वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है एंड दैट इज द फंडामेंटल बिहाइंड द मॉडर्न डे वाटर प्यूरिफायर ठीक है ना क्लियर तो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हम वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं होता यही है कि इसमें मोटर लगी होती है उस मोटर से आप 30 एटमॉस्फेयर से अधिक का प्रेशर लगाते हैं और नॉर्मल पानी जो आपकी टंकी का टैंक का पानी इसमें कई सारी डिजॉल्व अशुद्धियां होती हैं कई चीजें उसमें होती हैं वो पानी वाटर को फिर हम प्यूरिफाई करते हैं किससे सेमी मेम्ब्रेन से और सेमी सेमीपल मेम्ब्रेन जो होती है वो एकमात्र केवल वाटर मॉलिक्यूल को परमिट करती है बाकी किसी को परमिट नहीं करती है इसलिए प्योर वाटर आपको मिल जाता है एकदम ड्रिंकिंग बेहतर वाटर आपको मिल जाता है ठीक है

अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में डाल लेते हैं तो जो एग्जाम में जाते हैं बड़े कॉमन पॉइंट है टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर वॉज प्रपोज बाय फेफर ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द को देने वाले सेंटेंस थे फेफर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन मोलर सोल्यूशन ऑफ एन ऑफ एन ऑफ एन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्राइट ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोइ ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोइ

पोटेंशियल क्या होता है प्रेशर तो समझ में आया हम सिंपल सी बात है के दर, मैंने एक चम्मच ग्लूकोज लीजिए मैंने, क्या क्या? मैंने ग्लूकॉन डी लिया एक चम्मच दो चम्मच डाल दिया आजकल वो टैंक बड़ा चल रहा है मार्केट में टैंक मिलता है के. तो आपने क्या किया एक या दो चम्मच ग्लूकॉन डी डाला आपने और एक ग्लास में आपने बढ़िया सा ऑरेंज वाला आपने जो है वो सॉल्यूशन तैयार कर लिया आपने ठीक है अब क्या उसके पास उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मालूम चलेगा अब प्रॉब्लम यह है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एक ग्लास के अंदर है वो ऑस्मोमीटर में नहीं है किसमें नहीं है ऑस्मोमीटर में नहीं है उसको आपने प्योर सॉल्वेंट से अलग भी नहीं किया हुआ है आपने तो क्या उसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे दोस्त उसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है वो क्योंकि उसके लिए हमको ऑस्मोमीटर यूज करना पड़ेगा उसके लिए हमको प्योर सॉल्वेंट से अलग करना पड़ेगा ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा तो ये सब यदि नहीं कर रहे हो तो क्या उसका प्रेशर खत्म हो गया है नहीं दैट सॉल्यूशन इज पोटेंशियल टू क्रिएट प्रेशर क्या बोला मैंने आपसे उस में क्षमता है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट कर सकती है अरे हम कई बार बोलते हैं ना कई बार गुस्सा आते हैं हम किसी बात पे कोई मिल गया मान लो हमको आई वाला या इंजीनियरिंग वाला हम तैयारी कर रहे हैं मेडिकल में पहुंच गए मान लो पूछा उसने अच्छा तुम मतलब मेडिकल में हो ओके यार मेरे तो कौ, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस आता है कैंपस में ऐसा होता है कैंपस में वैसा होता है ये वो है ना इसकी द, दस लाख की पच्चीस लाख की नौकरी लग गई इसकी पचास लाख की नौकरी लग गई इसके ऐसी ऐसी बातें करता है और आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है ठीक है तो हम कई बार बोलते हैं उसे कहते हैं ठीक है भाई ऐसा है हमने मैथ्स लिया होता ना और हमने भी इंजीनियरिंग दिया होता ना तुमसे पहले निकल गए होते हम ठीक है क्या बोला हमने हमने भी मैथ्स लिया होता और हमने भी तुम्हारे से एग्जाम दिया था तुमसे पहले निकल गए होते ये मेडिकल है लड्डू नहीं है मेडिकल में इंसान है ना तुमने तुम यदि मैकेनिकल इंजीनियर हो तुमने एक स्क्रू गलत लगा दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका निकाल के नया लगा देना और हम यदि डॉक्टर ने एक हार्ट के बल्ब को गलत जगह पर गलत प्रकार से टच कर दिया ना तो फ्यूज उड़ तो जाएगा आदमी का समझ गए है ना तो डोंट कंपेयर इंजीनियरिंग विद द मेडिकल प्रोफेशन या हम जिंदगी के साथ मौत से जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे होते हैं उनके ये है मेडिकल प्रोफेशन के कहां लगे तुम तो के कोई बोलता है कि मेरे एक दोस्त थे इज ए वेरी गुड कार्डिक्स फिजिशियन वो वो बोलता था कि जब वो जो वो अभी अभी हा जो है वो कहा कहा करता था वो कि उसके पास कई जो है वो छोटे किसी ज़िले में प्रैक्टिस करता है उसने बताया कि वहाँ पे कई बार कलेक्टर हुआ एसडीएम वो लोग बताते करके तो वो बड़े अपने ताम झाम कितों दो लोग आ रहे हैं गाड़ी कैसे उतरे दो लोग वो आ गए बाहर आगे पीछे साथ में लाइट के साहब को ये प्रॉब्लम है साहब के वो एक, एक केबिन में भी तीन लोग अंदर आ गए के वो उनको लगता था कि बड़े प्रिवरेज बड़ा भारी काम करते हैं इनके एक दिन वो कलेक्टर साहब को थोड़ा सा उनको वो था भी चार भी था थोड़ा सा उस तरह का से रहने का एक दिन उनकी जो है वाइफ है उनको कार्डक प्रॉब्लम हुआ एकदम से हार्ट अटैक आया आधी रात को ले जोड़े डॉक्टर वहां पर प्रेजेंट डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया बाहर रहिए आईसीयू में कोई अंदर नहीं आएगा अंदर लेके थर्मोराइज किया उसको जो है वो एनजियो सब कुछ करके जो उसको फाइनली जो है सुबह सुबह वही साथ कैसी है मिल सकते हैं क्या अभी नहीं मिलेंगे आप चार घंटे बाद मिलेगा मतलब कहा जीवन और मृत्यु के बीच में कोई आदमी खड़ा है ना जो, जो जो जंग लड़ रहा है वो है डॉक्टर इसलिए प्लीज कोई आपके भरोसे को हिलाने की कोशिश करे भी ना तो उसको मत करना क्योंकि वो वो काम करता है जिसको तुम जब चाहे तब कर सकते हो जब चाहे तब तुम वो कर सकते हो लेकिन तुम जो काम करोगे उसको करने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए बहुत बड़ा साहस बड़ा संघर्ष बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, मतलब पोटेंशियल कि मैं कुछ भी सॉल्यूशन मतलब को देखें दैट सॉल्यूशन इज है उसी को तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल रहे हैं हम सही शब्दों में बोले तो हम अब ये उलझाती है घुमाती चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ सोल्वेंट प्रोड्यूस द सॉलिड इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या बात कही है इसने वाह मजा आ गया मजा आ गया एकदम कहने का मतलब ये है इसने क्या बोला भाई साहब ने उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक वाटर था प्योर सॉल्वेंट था प्योर सॉल्वेंट में हंड्रेड परसेंट वॉटर पार्टिकल थे जो खुद से मूव कर रहे थे तुमने क्या किया उसमें टेन परसेंट शुगर सॉल्यूशन बना दिया तुमने उसका टेन पार्टिकल शुगर के डाल दिए तो 90 वॉटर के बचे तो तुमने वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी को कम कर दिया कम कर दिया आप तुमने, क्योंकि तुमने सॉलिड डाल दिया उसमें कम किया कि नहीं किया अब ये वो जो तुमने बना जो तुमने काम किया है। इसके लिए, इसके बाद अब क्या होगा बाहर से वाटर सॉल्यूशन की ओर आएगा उस कमी को पूरा करने के लिए तो वाइक क्रिएटिंग बाय मेकिंग आपने एक सॉल्वेंट को जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जैसी आपने एक सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जैसे आपने प्योर वाटर में दो चम्मच शक्कर डाल आपने आपने मतलब आपने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है कि बाहर से वाटर सॉल्यूशन की ओर अंदर आएगा क्योंकि वहां वॉटर की कमी हो गई है ठीक ठीक है है दैट इज चेंज इन एनर्जी ना और ये चेंज इन दी एनर्जी था ना यही ऑस्मोटिक पोटेंशियल था एक्चुअली में ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है वो सॉलिड का पोटेंशियल है वो कि सॉलिड के डालने के कारण ऐसा हुआ है और बताओ सॉलिड के डालने के कारण ऐसा हुआ है तो एनर्जी बड़ी कि घटी वाटर की घट गई घटी है तो मतलब चिन्ह प्लस आएगा, आएगा। तो कि माइनस आएगा बॉल इज माइनस क्योंकि एनर्जी घट गई है यहां पर एनर्जी घट गई है यहां पर क्लियर चलिए तो मैंने क्या कहा आपसे मैंने कहा आपसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज चेंज इन एनर्जी ऑफ द प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस बाई सॉल्यूट सॉलिड इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं और इसी को मैंने कहा ना कि एक्चुअली में सच्चे अर्थों में ये क्या ये है सॉल्यूट एनर्जी को घटाया, इसलिए माइनस सिंबल आना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड एज ए रियल प्रेशर ओनली इन दस ऑस्मोमीटर अदरवाइज इन नॉर्मल सिचुएशन इट इज ए पोटेंशियल प्रेशर इसलिए इसके लिए हम ऑस्मेटिक पोटेंशियल वर्ड का यूज करते हैं अब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होता है उतना ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है फर्क इतना है कि याद रखना फिजियोलॉजी का एक फंडा भूलना नहीं प्लांट फिजियोलॉजी का फंडा धकाने वाला फोर्स पॉजिटिव और खींचने वाला फोर्स नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए आप धका रहे थे फोर्स लगा रहे थे पॉजिटिव प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर को अंदर खींच रहा है अंदर खींच रहा है पुल कर रहा है नेगेटिव फोर्स ठीक है सिंबल साइ पाई सिंबल इसका होता है साइ पाई होता है साइ si एस so, इसका साइ si पाई इसका सिंबल होता है बेटा साइ पी साइ एस सॉरी साइ एस होता है साइ si पी या साइ si एस इसका सिंबल होता है साइ si पी या साइ si एस इसका si si सिंबल होता है और ये माइनस सीआरटी माइनस का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे मैंने कहा ना आपसे इसने एनर्जी में कमी किया है इसने और ये पुलिंग फोर्सेस लिए माइनस सिंबल आएगा इसमें क्लियर ठीक है अब बात करते हैं सेल एक एज एन ऑस्मोटिक सिस्टम की बात करें कोशिका को यदि हम एज एन ऑस्मोटिक सिस्टम देखते हैं तो सेल क्या होता है तो मैं मैंने आपसे कहा था कि सेल वॉल जो होती है मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मिलकर सेल वॉल फ्रीली पर्यवल होती है वो ऑस्मोटिक बेरियर नहीं होती है एक प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट

ठीक है क्लियर तो इसका मतलब यह हो गया कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक विध के रूप में काम करती प्लांट सेल में वो है दीज आर दी ठीक है ना दिस इज दी ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल ठीक है है ना तो वाटर अंदर आएगा यदि एंडो ऑस्मोसिस होगा तो किसका वॉल्यूम बढ़ेगा सेल सेप का वॉल्यूम बढ़ेगा ऑस्मोसिस होगा तो किसका वॉल्यूम कम होगा सेल सेप का वॉल्यूम कम होगा क्लियर चलिए अब इतना ऑस्मोसिस नजर मार लेते हैं ठीक है लिखा है प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय सेल एंड सेल वॉल ठीक है जो एक प्लांट सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे कंट्रीब्यूट कौन करता है सेंट्रल वेक्यूल का सेल से वो कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है इन प्लांट सेल द सेल में वेक्यूल टोनोप्लास्ट टुगेदर आर द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ दी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल मैंने कहा ना यही जो सेल मेंबर है साइटोप्लास्म की थीन लेर है और टोनोप्लास्ट है वे मिलकर एक सिंगल मेंबर के समान व्यवहार करते हैं क्लियर ऑस्पोस द टर्म यूज टू रिफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर Across the differentially or selectively permeable membrane के osmosis occurs spontaneously in response to a driving force and what is this driving force? This is the solute potential के जो solute potential है जो water में कम के energy में कमी करता है उस कमी को पूरा करने के लिए water molecule अंदर आते हैं ठीक है थीके? नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द दॉस ग्रेडियंट के कि आप कितना दबाव लगा रहे हैं यदि आपने एक्स्ट्रा दबाव लगाया तो प्रोसेस ऑपोजिट हो जाएगा याद है रिवर्स ऑस्मोसिस की बात की थी के तो प्रेशर पर और कॉन्सेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है कितना ऑस्मोसिस होता है के। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेट टू दी इट्स रीजन ऑफ दी लोअर केमिकल पोटेंशियल जब तक कि इक्विब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए तो इसका मतलब यहां पे कुल मिलाकर यह है कि इक्विब्रियम में क्या होगा कि जो दोनों तरफ के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा मतलब दोनों तरफ जो है वाटर पोटेंशियल इक्विवेलेंट हो जाएगा ठीक है अब एनसीईआरटी में एक गलती है दॉटर इंटर्स दैविटी इन दी ट्यूबर कंटेनिंग ए कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ शुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस एनसीआर टी में लिखा, है, If, uh, water, water osmosis, में लिखा है। तो बेसिकली इमेज भी दिखाया इसका कि ये होता है ऑस्मोस्कोप ठीक है ना क्लियर ना आप देखिए इनिशियल लेवल पे एक पिन लगाया हमने और फाइनल लेवल पे एक पिन लगाया तो दोनों के बीच में जो है वो क्या हुआ औसम से वाटर अंदर की ओर आ गया बेटा ठीक है ना क्लियर ठीक है ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर टेकन इन ए फनल सेपरेटेड फ्रॉम ए प्योर वाटर इन ए बीकर बायल सोलवेंट से अलग कर लेते हैं तो है, उसके लेवल को बढ़ाता है जब तक इक्लिवरियम स्टेब्लिश ना हो जाए ठीक है याद रखिएगा इफ इनके सुक्रोस डिफ्यूज थ्रू उ डिफ्यूज आउट थ्रू दी तो क्या होगा मिक्सते हैं तो भी इक्विवर हो जाएगी लेकिन उस समय वाटर भी डिफ्यूज हो रहा होगा और उस समय सॉलिड भी डिफ्यूज हो रहा होगा बेसिकलीफ्यूजन को देखने मिलेगा इक्वेलर इक्वल ठीक है देखिए एनसीआर का ही इमेज हम देख वाटर है, कि दिख, है, हमने कि ये है तो आपने और जब बाहर से आप प्रेशर लगाओगे इतना प्रेशर लगाओगे कि आप प्रोसेस ऑफ ऑस्मो को रोक सकें तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा वही प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम दी अपर पार्ट ऑफ सच एज

बताया आपको क्योंकि एनर्जी में कमी किया है साइन अपोजिट हो गया खींचने वाला वाले तो साइन नेगेटिव हो गया ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर इज दॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज दर ठीक है चलिए यह बात की देखिए हमने कि एन में कैसे लिखा है एक एक लाइन को हमने पहले अच्छे से समझा हमने फिर मैंने आपको एनसीआरटी बतलाया तो लेक्चर जरूर बेटा थोड़े से लंबे हो रहे हैं इसके ट्रांसपोर्ट प्लांट से क्योंकि हमको कोर्स भी समय जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कवर करना है तो यार देखो मैं भी तो लगातार बोलता पढ़ाता रहता हूँ ना तो तुमको भी लगातार सुन लेना चाहिए ठीक है अभी देखो यार अभी नहीं करेंगे ना हार्डवर्क के लिए एफर्ट अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे है ना ये जो साल है ना ये कुछ महीने हमारी पूरी जिंदगी बदल देंगे इस, इसलिए हमको जमकर मेहनत करना पड़ता है ऑल द बेस्ट तो आपने बड़े सब्र के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को समझा आपने लेक्चर पूरा किया आपने और आप रुके रहे धन्यवाद उसके लिए तो चलिए हम जो है वो आ, कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं बड़े अच्छे एमसीक्यूज है बेटा और ये जो है एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए कुछ MCQs है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू है जो ओलंपियाड जैसे पेपर में आए हुए हैं तो केवल कॉन्सेप्टो क्लैरिटी के लिए हम इन एमसीक्यू को देख लेते हैं बेटा कुछ एमसीक्यू ऐसे जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ सकते हैं बेटा इसमें से ठीक है ना चलिए तो पहला एमसीक्यू हमारे सामने जो स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ रहा है वो है ये बेटा

10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं आपको मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए उत्तर क्या होगा फटाफट बताइए क्या आंसर होना चाहिए बेटा इसका ठीक है दूसरा दस सेकेंड भी दिया मैंने आपको चलिए सॉल्व करते हैं इसमें हम तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ना आपको देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये अपने आप में मतलब हर एक स्टेटमेंट जो है वो एक क्वेश्चन के समान व्यवहार करता है यहां पट के तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है इसमें तो पहला है मिनरल न्यूट्रिएंट्स

ओल्ड होता है सिनेसेंस में है जरा अवस्था में जाता है न्यूट्रेंट रिमेन ऑलवेज रिमेन इन दिस पार्ट ऐसा नहीं होता है कई सारे न्यूट्रेंट क्या होते हैं वो ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट की ओर नए पार्ट की ओर वो शिफ्ट कर जाते हैं ठीक है तो ये गलत स्टेटमेंट है आप देखो आप बोलोगे सर हमको नहीं पढ़ाया आपने मिनरल न्यूट्रिशन तो बेटा पढ़ेंगे आगे हम कि परंतु कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है जो मिक्स होता है ने? ये प्लांट फिजियोलॉजी का ऐसा एमसीक्यू इसमें कि तीन चार चैप्टर के कॉन्सेप्ट डले हुए इसमें ठीक है हमको पहला वाला तो क्लियर था कि मिनरल और वाटर को जो है वो वाटर और मिनरल रूट से लिए आते हैं ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट किया क्लियर था दूसरे वाले में क्यों गलत है गलत दूसरे स्टेटमेंट में क्या गलती है गलती ये कई सारे न्यूट्रंट ऐसे होते हैं जो ओल्डर पार्ट से न्यूअर पार्ट की ओर जो ग्रोइंग पार्ट है वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं ठीक है फिर इन फ्लॉवरिंग प्लांट कॉम्प्लेक्स ट्रेफिक फ्लॉवरिंग प्लांट कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस इन अनऑर्डरली मैनर नहीं बिल्कुल गलत बात है ये ऑर्डरली मैनर में होता है ठीक है फ्लावरिंग प्लांट में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डरली manner में होता है डिफरेंट डायरेक्शन में होता है ठीक है तो याद रखिएगा तो यहां पर अनऑर्डरली manner में क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी लगती है तो यहां पर बकायदा जो है वो एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है तो ये ऑर्डरली manner में होता है ठीक है ऑल हार्मोन शो पोलराइज मूवमेंट गलत बात है सभी हार्मोन पोलराइज पोलराइज का मतलब है एक पोल से दूसरे पोल के जब हम पोलराइज इस्तेमाल करते हैं मतलब एक पोल से अगले पोल के और केमिकल का मूव 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 करना मतलब यहां से यहां 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 से यहां किया यहां से यहां किया पोलराइज किया या ये मूवमेंट है लेकिन कई हारमोन ऐसे होते हैं जो सब दिशाओं में मूव करते हैं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो पहला ही स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या हो गया पहले क्वेश्चन का अब देखो बेटा दिस इज एमसीक्यू जो मल्टी चैप्टर कवर करता है ठीक है और ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा एग्जाम में आते हैं ठीक है और ये एग्जाम की क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोविंग अबाउट डिफ्यूजन कौन सा डिफ्यूजन के लिए गलत है अब आपको क्या चुनना है आपको गलत रॉन्ग स्टेटमेंट आपको जो है चुनना है डिफ्यूजन के लिए मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन बताइए बिल्कुल सही बात है डिफ्यूजन में आपने पढ़ा नहीं बेटा आपने गैस कांस्टेंट पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के के अंदर तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल होते हैं एक दूसरे टकराते हैं टकराकर बिखरने की कोशिश करते हैं तो बिखरने की कोशिश करते तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स पार्टिकल रेंडम फैशन में अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं और मूवमेंट का कारण भी क्या होता है कि चूंकि पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन में तो एक दूसरे से टकराने की संभावना बढ़ जाएगी टकराएंगे तो दूसरे को एनर्जी देंगे दूसरा वाला धक्का खा के आगे बढ़ जाएगा है ना ऐसे तो डिफ्यूजन होता है तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही स्टेटमेंट है कोई डाउट नहीं इट ऑकर्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये भी सही स्टेटमेंट है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस ये गलत स्टेटमेंट है डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस इसमें एनर्जी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं इसमें जो है वो एनर्जी इन्वॉल्व इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें ठीक ना ठीक इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम बिल्कुल सही बात है लिविंग लिविंग सिस्टम सिस्टम पे जो प्रोसेस, जो प्रोसेस प्रोसेस केवल पर डिपेंडेंट होगी जो प्रोसेस केवल लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होगी मतलब वो एक्टिव प्रोसेस उसको एनर्जी चाहिए यहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस, प्रोसेस प्रोसे सिस्टम में दोनों ये वास्तव में लिविंग और नॉन लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह पर चल सकता है प्रोसेस ठीक है ना बेटा तो इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट क्या क्या गलत है इसमें से ये वाल तो आंसर इज दिस इज ठीक है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे मैं आपको दे रहा हूं बेटा पूरा 20 सेकंड दे रहा हूं ठीक है टाइमर तो कह रहे ऐसे ही चल रहा है वो एनिमेशन टाइम टाइमर है पर आप जो है बीस सेकंड लीजिए और उसका उत्तर कीजिए ठीक है ठीक है बताओ है ना देखते हैं कौन आंसर करता है ये मानकर चलो बेटा कि आप मेरे सामने लाइव बैठे हुए हैं ना चलिए ठीक चलो तो देखें आंसर आप और देखो बेटा आप सारे क्वेश्चन लगाना उसके बाद में जब जब ये हम पूरे को, एमसी को लगा चुके हो ना तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए थे प्लीज मुझे बताइएगा जरूर ठीक है ना देखो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट के यानी आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट चलो ठीक है हाँ ठीक आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट कुल कितने स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है फॉल्स है ठीक है ये आपको बताना है चलो द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सबस्टेंट बिल्कुल सही बात है हायर डेंसिटी होगा तो सब्सटेंट धीमे डिफ्यूज करेगा हैवी सब्सटेंस होगा धीमे डिफ्यूज करेगा लाइटर सब्सटेंस होगा तो फास्ट डिफ्यूज करेगा यह सही स्टेटमेंट है ठीक है

मेम्ब्रेन में उसकी सोलिबिलिटी कितनी है ये सही स्टेटमेंट है ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देखा हुआ है हमने फिर तीसरा स्टेटमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट फॉर हाइड्रो फ्लिक सब्सटेंसेस टू क्रॉस मेम्ब्रेन बिल्कुल सही बात है जो कैरियर प्रोटीन होते हैं ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो, जो आयंस होते हैं जितने भी आयंस होते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं पोलर सॉल्यूट होते हैं वे सब पोलर सॉल्यूट होते हैं वे सब के सब जो ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन के थ्रू आर पार निकल पाते हैं इन्हें बोलते है, है हैं कैरियर प्रोटीन तो कहते हैं या परमिएस कहते हैं ठीक तीन सही हो गए अब तो बचा ये कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ये गलत है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी

कि आपको ए बी और सी दिए गए फिगर में आपको ए बी सी पहचानना है चलो पहचानो करो आपको टाइम दे रहा हूं मैं है ना सॉल्व करो चलो ठीक है दस सेकेंड का वक्त है आपके पास सॉल्व कीजिए चलिए सॉल्व किया अरे सिंपल क्वेश्चन है यार देखो है ना और ये क्वेश्चन सब क्या है सेल बायोलॉजी से मिलते जुलते क्वेश्चन है ए क्या है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया कहां लिखा हुआ है इसमें दो और हाँ एक ही जगह तक हाँ ये लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बी क्या हो गया ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल हो गया सी क्या हो गई मेमब्रेन हो गई आंसर आ गया टू इसका इज इस आंसर ठीक है ना ए इज दी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बी इज दी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल और सी इज दी मेम्ब्रेन सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर बेटा ठीक है तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर के लिए और ज्यादा चार नंबर अपने अक, अकाउंट में जोड़ लीजिए आप ठीक है ना अरे एग्जाम देते तो अकाउंट जैसे तो हो गया वो नंबर जुड़ेगा तो अच्छा कुछ मिलेगा है ना चलो ठीक है सॉल्व कीजिए चलिए फटाफट दस सेकेंड दस सेकेंड दस सेकेंड सेकें, है ना आंसर कीजिए बाद में सबको बताना है टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे चूज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट यानी आपको बताना है कुल कितने सही कथन है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट ठीक है ना सम चैनल इन मेम्रेन आर ऑलवेज ओपन बिल्कुल सही है इनको क्या बोलते हैं इनको हम जो है वो हम जो है ऑलवेज ओपन होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं बेटा हम इनको जो है एक चैनल प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कहते हैं कुछ हमेशा ओपन रहते हैं बेटा ऑलवेज ओपन पोर होते हैं ठीक है पोरिन अलाउ ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल साइज अप टू स्मॉल प्रोटीन बिल्कुल सही बात है पोरिन जो होते हैं ये येम्ब्रेन में ऐसे पोर होते हैं जिनसे जो है कई सारे आर पार निकल सकते हैं और स्मॉलर साइज के प्रोटीन भी पोरिन से आर पार निकल सकते हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये सब साइटोलॉजी में सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पड़ा हुआ है हमने वाटर चैनल इज मेड अप ऑफ एट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन ये भी पढ़ा हुआ है हमने याद करो पीटर अग्रे ने डिस्कवर किया था एक्वापोरिन को ठीक है ये भी सही है

क्लियर ठीक है देखो ध्यान से बताओ सबसे पहले तो देखो ए देखा आपने ए क्या हो सकता है बेटा सिंपल सी बात है ए इज दी कैरियर प्रोटीन ठीक है है ना कैरियर प्रोटीन तो क्या लिखा है इसमें ए इज दी कैरियर प्रोटीन तो यहां पर कैरियर पॉइंट लिखा हुआ है गलती से लिखा गया ये टाइपो एरर है बेटा तो कैरियर यहां पर लिखा ना यहां पर लिखा हुआ है कैरियर प्रोटीन कर लो पॉइंट okay? है? ना गलती से हमारे टाइपिस्ट लिया होगा उन टाइप, टाइप और कर दिया होगा है ना? तो ऑप्शन तो 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 मतलब दो और तीन में से ऑप्शन अब इसमें से बी क्या है बी देखिए आप बी जो है और ई e, अपोजिट है बी अंदर जा रहा है तो ई e बाहर निकल रहा है मतलब ये क्या है ये एंटीपोर्ट है पक्के से ये एंटीपोर्ट है तो बी एंटीपोर्ट में आ गया बी एंटीपोर्ट में आ गया और ई e भी एंटीपोर्ट में आ गया एक अंदर एक बाहर ठीक है फिर आप देखिए गौर से कि जो डी 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 है D क्या है D है क्या यूनिपोर्ट एक दिशा में अकेला जा रहा है तो डी क्या हो गया यूनिपोर्ट हो गया डी इज दी यूनिपोर्ट है ना देखो बी एंटीपोर्ट है ई e एंटीपोर्ट है डी इज दी यूनिपोर्ट तो अब यहां पर डी दिखाए सिम पोर्ट तो यह ऑप्शन भी कैंसिल हो गया बस आंसर मिल गया हमको अब देखो चाहे तो हम बाकी भी मैच कर ले हम लेकिन हमने क्या किया हमने दो तीन मैच किए हमें हमें आंसर मिल गया मालूम है ए और वा, और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता है एक ए ए ए इज 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 दी नॉट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रोटीन तो ये क्या है प्रोटीन दिखा है कैरियर दिखाई पड़ा और देखिए डी में क्या है एक दिशा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यूनिपोर्ट हो गया बी और ई अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या हो गया वो एंटीपोर्ट हो गया और सी क्या सी क्या हो गया सी हो गया सिमपोर्ट सी हो गया सिम पोर्ट आंसर क्या है इसका आंसर आया बेटा इसका थ्री इज आंसर है ना, क्लियर? और ये क्वेश्चन बेटा एनसीआरटी के डायग्राम पर बेस्ट क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए आगे बढ़ते हैं मेज़ मेजर सिमिलरिटी बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी डिफ्यूजन इज दैट बताइए

फ ए सेल इज रिड्यूस इन साइज ऑन प्लेसिंग अब देखो ये तो आज ही पढ़ा हमने इफ ए सेल इज रिड्यूस इन साइज

ठीक है ना उसमें रखने पर सेल का साइज घट जाएगा और क्या होगा यहां पर? पर होगा ऑस्मोसिस होगा ठीक है कि लॉन्गर डिस्टेंस तक सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के के क्या वर्ड यूज करते, है? करते हैं ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंस ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ठीक है क्लियर

Depression All the best. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test, you can download performance enhancement sheets, you can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.